पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस बीच मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, एनसीबी ने 5 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। गांजा और चरस बरामद किए गए हैं। इनके पास से अंकुश अरिंजा करमजीत से ड्रग्स खरीदता था, अनुज केशवानी को भी सप्लाई करता था ड्रग्स। तो ड्रग्स केस में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है एनसीबी के। 5 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। 5 ड्रग तस्करों को हिरासत में लिया है एनसीबी ने। गांजा और चरस जैसे मादक पदार्थ भी इनके पास से बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि अंकुश अरिंजा करमजीत से ड्रग्स खरीदता था, वही अनुज केसरवानी को भी ड्रग्स सप्लाई करता था। ये बड़ी खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया एनसीबी की टीम ने। गजनन दुबे हमारे सहयोगी मुंबई से फोन लाइन पर मौजूद हैं तमाम जानकारी के साथ। गजनन, एनसीबी ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है ड्रग केस में, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? देखिए आदित्य जी, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कहीं ना कहीं इन लोगों के नाम जो आधिकारिक तौर पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभी तक बताए नहीं है, उसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद एक छोटा सा ड्रग नेक्सस इसमें खुल के सामने आ चुका है। अंकुश और केसरवानी, ये दो ऐसे पिंप हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, जो कैनबीज यानी मारिजुआना, गांजे और साथ में चरस हैशीश, इन दो चीजों की मुख्यतः ये लोग तस्करी किया करते थे। और इसके बाद भी एलएसडी का एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है, जो कि एक साइकेडेलिक ड्रग होता है, मनोवैज्ञानिक ड्रग होता है, जो एक आदमी के दिमाग को सुन करने के लिए काफी है। उसके व्यवसाय के ऊपर भी कई सारी बातें खुलकर सामने आई है। रिया चक्रवर्ती के भाई सौभिक चक्रवर्ती ने आज 2 बड़े खुलासे किए। पहला कि सुजान सिंह राजपूत खुद अपने ड्रग्स की पेमेंट करते थे, और दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि उनको एलएसडी किस तरह मिलता था। केसरवानी और मनोज के नेक्सस से उनके मैनेजर सैमुअल मिरांडा तक वो ड्रग्स पहुंचते थे, जिसके बाद वो ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत तक जाते थे। अब अंत में रिया चक्रवर्ती ने भी ये खुलासा किया कि उनके घर में कुरियर के जरिए ड्रग्स भेजे जाते थे, यानी कहीं ना कहीं ड्रग्स का ये जो पूरा मामला था, अब हाँ और ना के बीच में लोग अपने सही जवाब देना शुरू कर चुके हैं। महज 3 या 4 दिन हुए हैं इन सभी को जेल गए हुए, और उसके बावजूद उतने ही कम वक्त में एक एक कर नए नए तथ्य, आदिति जी, नए नए तथ्य खुलकर सामने आने लगे। देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो रही है, कहीं ना कहीं बेहद लंबे तार हैं ये, और एक के बाद एक नए नए कनेक्शन सामने आ रहे हैं। कई और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है इस पूरे मामले में गजानन। कई लोगों की गिरफ्तारी होनी है। आज सुबह ही नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आधिकारिक तौर पे कहा था कि कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी इसमें लिया जाएगा। कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे जिक्र भी सेलिब्रिटीज ने किए, जिसमें बॉलीवुड के जो बड़े सितारे हैं उनके जो बच्चे हैं, जो स्टार किड्स जिन्हें कहा जाता है, उनका भी नाम इसमें लिया जा रहा है कि ये लोग भी ड्रग कंजम्पशन, ड्रग के सेवन के आरोपी है, ड्रग का सेवन करते हैं। ऐसी कई सारी बॉलीवुड पार्टीज का भी जिक्र वहां पे किया गया नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में, जहां पर इन सभी के नाम सामने आए, और कहीं ना कहीं उसी के आधार पर वो लिस्ट बनी थी जिसमें सभी सितारों के नाम मौजूद हैं। जी आदित्य गजनन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थे 5 और लोगों को एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। ड्रग तस्करों को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है, और कई अहम खुलासे अब हो सकते हैं इनसे पूछताछ।